पंजाब दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर झारखंड भाजपा ने कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक पर भाजपाइयों ने धरना दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता लक्ष्मण नायक ने कहा कि ये घटना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराई कांग्रेस की साजिश है। सभी भाजपा नेता गांधी जी से कांग्रेस के लिए सद्बुद्धि मांगा, साथ ही कहा कि कांग्रेस अपनी कुंठित मानसिकता और सोच को अगर ऐसे ही रखती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार सभी गांधी प्रतिमा के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पंजाब दौरा के दौरान कांग्रेस के कुकृत के खिलाफ यह धरना का मौन धरना का कार्यक्रम किया गया है और यह धरना के माध्यम से गांधी जी और भगवान कांग्रेस के लोगों को सुदबुद्धि दे कि इस तरह का नीच काम, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे 135 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे एक नेता, ऐसे एक प्रधानमंत्री है जिनको पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में उनको मानता है और ऐसे प्रधानमंत्री के साथ यह कांग्रेस के लोग उनके कुकृत कारणों के कारण आज पूरे देश इनकी निंदा कर रही है, पूरे विश्व में इनकी निंदा हो रही है कि इस तरह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चूक हो, उनकी सुरक्षा में इस तरह का चूक हो, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण। और हम सब इस धरना के माध्यम से उनको दुर्भाग्यपूर्ण निंदा करते हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के लोगों को सुदबुद्धि दे